धर्मशिला देवी बड़े संस्थान है, 10 करोड़ की जो है वो पटखा जो है, एक सेकंड सर, जो भी पटखा है चाहे वो सोशल मीडिया हर जमाना है, जो भी पटखा भाई हों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे यूट्यूब पे हो या फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया वाले हैं, आज उन्हीं के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को न्याय मिलता है और हमारी आम जनता का जो आवाज़ है वो सरकार पे खाने तक पहुँचता है। अगर इस पर कोई भी मीडिया भाइयों को दबाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार उस पर अक्सर भी और पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कार्रवाई होना चाहिए। 10 करोड़ का मनहानी का मुकदमा भी करने का धमकी, ये गलत है। बीते दिन अगर हम मीडिया भाई का, मीडिया भाइयों का अगर मुँह बंद करते हैं, दबा देते हैं, तो आम जनों का आवाज़ कैसे पहुँचेगा? बीते दिन धर्मशिला देवी में जो वाक़या होती है, एक महिला आरोप लगाती है कि उनके बच्चों को किडनी जो है निकाल लिया जाता है, एक यूट्यूबर पत्रकार जो है सवाल करते हैं और दिखाते हैं, निष्पक्षता से अपने चैनल पर जो है वो बातों को रखते हैं, और धर्मशिला देवी संस्थान के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा और उनके सहयोगी जो कर्मी हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि अवैध जो है वसूली फिरौती को लेकर जो है इस प्रकार की जो है किया जाता है और नामों को जो कहीं कहीं धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। खा भाई तो निष्पक्ष दिखाने तो ये बने ही हैं जी, और इनकी बातों को दबाया जाता है तो पुलिस प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए। और इस मुद्दे पर जहाँ बताए हैं हॉस्पिटल धर्मशिला देवी अस्पताल का जो मामला है, मैं पावर में तो हूँ नहीं, पर मैं DM साहब से बात करके और बिहार सरकार से भी आप जो माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि मीडिया भाइयों का बात को दबाया जा रहा है तो इस पर खड़ी से खड़ी कार्रवाई होना चाहिए।